हेलो हेलो नमस्कार साथियों। हेलो हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, एसएससी एमटीएस एनालिसिस की नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आ चुके हैं। और आज 16 अक्टूबर 2024 को हम थर्ड शिफ्ट का जो एनालिसिस है इस वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले हम फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट का जो एनालिसिस वीडियो है ये आपको दे चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो यहाँ पर आई बटन पर आपको लिंक दे देंगे हम प्लेलिस्ट की, तो आप सीधे से यहाँ पर जाकर चेकआउट इनको कर लीजिएगा। क्लियर है? और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल और एप्लीकेशन को दोनों को जाकर ज्वाइन कर लेना है। एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, तो आप जाकर जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपको व्यवस्थित रूप से सारे पीडीएफ मिल जाएगी स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में, तो आप जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। और गाइस, इस वीडियो में हम जीके, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग चारों सब्जेक्ट का जो एनालिसिस है ये कवर करेंगे। तो आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा क्योंकि काफी ज्यादा चीजें यहाँ से आपको पता चलने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के शानदार वीडियो को जीके जीएस करंट अफेयर के क्वेश्चन से। देखिए, आज पहला क्वेश्चन आपका थर्ड सेप्टेम्बर में बना है। पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है, वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। तो हाजीपुर में है ये आपका, हाजीपुर करेक्ट आंसर रहेगा। पूर्व मध्य रेलवे का जो जोनल मुख्यालय है ये हाजीपुर में स्थित है। और यहाँ पर जितने भी मुख्यालय हैं हम आपको पूरी लिस्ट बता देते हैं क्योंकि इससे आज ये फर्स्ट क्वेश्चन बना है ना। फर्स्ट क्वेश्चंस बना है ये मुख्यालय वाला रेलवे का, तो आगे भी डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस बनेंगे, आप लिख के रख लीजिएगा इस टॉपिक को। क्लियर है? तो अच्छे से सारे आप पहले ही बार में निपटा दीजिएगा जिनका भी आगे 1-2 दिन में, 2-4 दिन में एग्जाम है। क्लियर है? तो बात करें केंद्रीय मुख्यालय, भारतीय रेलवे का जो केंद्रीय मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में है। और इसके प्रभाग भी हमने डाल दिए ताकि आपको इनके बारे में भी थोड़ी सी चीजें रहे, अगर प्रभाग से भी क्वेश्चंस बने तो आसानी से आप कंफर्म जो है उनको क्लिक कर पाए। तो देखिए, यहाँ पर केंद्रीय जो मुख्यालय है ये मुंबई में है। पूर्व मध्य जो मुख्यालय आपसे पूछा गया है यही क्वेश्चन आपसे बना है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय। तो पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है ये हाजीपुर में है। केंद्रीय रेलवे का जो मुख्यालय है मुंबई में है। पूर्वी तट रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर उड़ीसा में है। क्लियर है? तो याद रखना है आपको। इसके अलावा पूर्व का जो मुख्यालय है ये कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, याद रखना है। उत्तर मध्य रेलवे का जो मुख्यालय इलाहाबाद में है। उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में है। उत्तर पश्चिमी का जो मुख्यालय है, उत्तर पश्चिमी रेलवे का, ये जयपुर में है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय गुवाहाटी असम में है। उत्तरी जो रेलवे है इसका मुख्यालय दिल्ली में है। दक्षिण केंद्रीय रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद में है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है। दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में आता है। वापस से देखिए, यहाँ पर कोलकाता में पूर्व रेलवे का मुख्यालय है। इसके अलावा यहाँ पर दक्षिण पूर्वी का मुख्यालय भी है, दक्षिण पूर्वी रेलवे का। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली में है। दक्षिण का मुख्यालय, दक्षिण रेलवे का, ये चेन्नई में है। और पश्चिम मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है, पश्चिम मध्य रेलवे का, ये जबलपुर में है। इसके अंतर्गत जबलपुर, भोपाल, कोटा, ये सभी प्रभाग आते हैं। वेस्टर्न जो रेलवे है इसका मुख्यालय मुंबई में। तो ये सारे हमने आपको कवर करवा दिए जितने भी रेलवे के मुख्यालय हैं, आपको यहीं से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो इन सभी को आप थोड़ा सा कंसेप्शन याद रखिएगा, कैसे भी करके ट्रिकी वे में आपको याद करना चाहें तो आप याद कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आगे आपके बनेंगे, ये हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं। चलिए, ये हमारी एसएससी एमटीएस की स्पेशल टेस्ट सीरीज है। और अगर अभी तक आपने इसमें इनरोल नहीं किया तो सिर्फ 49 रुपये के शुल्क में आप इसमें इनरोल कर सकते हैं स्पेशल ऑफर के थ्रू। और गाइज, यहाँ पर ऑल चैप्टर और टॉपिक आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जो जो टॉपिक आपके एग्जाम में आ रहे हैं लगातार उनसे लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो उनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा एग्जाम से पहले, क्योंकि ये सारे जो टॉपिक है आपको एग्जाम से पहले प्रिपेयर करना है जब भी आपका एग्जाम हो। तो ऑलरेडी हम तो टॉपिक तो आपको डेली बेसिस पर कवर करवा रहे हैं एनालिसिस में कि किस किस टॉपिक से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग, इनमें भी टॉपिक हम आपको कवर करवा रहे हैं। तो ये सारा टॉपिक में इनमें डला है इस टेस्ट सीरीज में, जिसमें 280 से अधिक टेस्ट है चैप्टर वाइज के फॉर्मेट में। तो आप सभी जाकर चेकआउट करिएगा और उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर अच्छे से आपने लगा लिया गाइस तो सिंगल क्वेश्चन भी आपका यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक एक बार जरूर से जाकर चेकआउट कर लीजिएगा, कोई डाउट है कोई चीज़ नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अनाहत सिंह किस राज्य से है, अनाहत सिंह इज फ्रॉम विच स्टेट। तो दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा, दिल्ली से अनाहत सिंह जो है ये एक भारतीय केस केस जो खिलाड़ी है, स्वेस खिलाड़ी, इनका जो जन्म हुआ है 13 मार्च को है 2008 को। और वह लड़कियों की अंडर 17 श्रेणी में एशिया के शीर्ष रैंक वाले खिलाड़ी हैं अनाहत सिंह। और 14 साल की उम्र में वह जो है 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे कम उम्र की एथलीट थी।
अनाहत ने 6 साल की उम्र में बैडमिंटन खेलना शुरू कर दिया था, लेकिन 8 साल की उम्र में उन्होंने जो है स्क्वैश खेलना शुरू कर दिया, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अभिनव बिंद्रा किस राज्य से है? अभिनव बिंद्रा इज फ्रॉम विच स्टेट? तो करेक्ट आंसर उत्तराखंड आपका हो जाएगा। अभिनव बिंद्रा उत्तराखंड के देहरादून से हैं। इनका जो जन्म हुआ है ये 28 सितंबर को हुआ है 1982 को। अभिनव बिंद्रा एक भारतीय राइफल शूटर है और बीजिंग ओलंपिक हुआ था 2008 में। इसमें पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल जो प्रतियोगिता है इसमें गोल्ड इन्होंने जीता था। गोल्ड पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे ये, तो आपको स्पेशली ये पॉइंट तो याद रखना है क्योंकि पहला जो गोल्ड था इन्हीं के नाम था। और उनका जो उपनाम है ये है ए बी, यानी कि अभिनव बिंद्रा, ए बी अभिनव और बिंद्रा। इनका जो परिवार है पंजाबी सिख खत्री है और इनकी जो पढ़ाई है देहरादून के दून स्कूल चंडीगढ़ के सेंट स्टीफंस जो स्कूल है इसमें हुई है, और उन्होंने सिडनी 2000 में से 5 ओलंपिक में हिस्सा लिया है। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा धार्मिक त्यौहार नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट है रिलीजियस फेस्टिवल? तो गांधी जयंती ये रिलीजियस फेस्टिवल या धार्मिक त्यौहार नहीं है, राष्ट्रीय त्यौहार है ये आपका। तो याद रखना है आपको, राष्ट्रीय जो त्यौहार है ये अलग होते हैं, धार्मिक त्यौहार अलग होते हैं। 3 तरह के त्यौहार होते हैं भारत में, राष्ट्रीय, धार्मिक और मौसमी, है ना। और ये जो राष्ट्रीय त्यौहार होते हैं सभी भारतीय चाहे उनका धर्म जाति समुदाय कुछ भी हो समान रूप से मनाते हैं। वही धार्मिक जो त्यौहार है इनको अलग अलग समुदाय के अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। भारत में 3 तरह के त्यौहार होते हैं, राष्ट्रीय, धार्मिक और मौसमी। भारत में मनाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण अगर त्यौहार की अगर हम बात करें जो कि धार्मिक त्यौहार है, इसमें दीपावली होली आती है, इसके अलावा दशहरा हो जाया, ईद हो गई, क्रिसमस हो गया, नवरात्रि, दुर्गा पूजा, मकर संक्रांति, गणेश चतुर्थी, महाशिवरात्रि, ये सारे आपके धार्मिक त्यौहार हैं, तो रिलीजियस फेस्टिवल है, आपको स्पेशली ये याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सबसे कम जनसंख्या किस केंद्र से प्रदेश की है? विच यूनियन टेरिटरी हैज द लोवेस्ट पॉपुलेशन? करेक्ट आंसर आपका लक्षद्वीप हो जाएगा। लक्षद्वीप क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से भारतीय संघ का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। अगर जनसंख्या में पूछा जाए तो भी सबसे छोटा है और क्षेत्रफल में पूछे जाए तो भी सबसे छोटा है, तो ये तो आपके लिए प्लस पॉइंट हो गया क्योंकि एक ही आपको याद करना है, दो आपके क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे एक में। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग केंद्र शासित प्रदेश जो लक्षद्वीप है इसकी जनसंख्या कितनी है? 64,429, तो ये इसकी जनसंख्या है 2011 के अकॉर्डिंग। और इस आबादी के साथ लक्षद्वीप जो है कुल भारतीय जनसंख्या में 0.01% का योगदान देता है। अगला क्वेश्चन है, लच्छू महाराज किस नृत्य से संबंधित है? लच्छू महाराज इज रिलेटेड टू विच डांस स्टाइल? करेक्ट आंसर हो जाएगा कथक डांस। क्लियर है, कथक जो है उसका उद्गम हुआ है ब्रजभूमि की रासलीला से। उत्तर प्रदेश का एक पारंपरिक नृत्य रूप है ये। कथक जो है कथिया द्वारा किया जाता है जो हाव भाव और संगीत के साथ महाकाव्य से छंदों का पाठ करता है। लच्छू महाराज कथक नृत्य से संबंधित है और संगीत कथक की हिंदुस्तानी शैली पर आधारित विभिन्न शैलियों में विभिन्न प्रकार के गाने हैं। लखनऊ घराना यह नवाब वाजिद अली खान के अधीन अपने चरम पर पहुंच गया था और ये अभिव्यक्ति और अनुग्रह को महत्व देता है। अगला क्वेश्चन है आपसे बना है कि संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है किस देश के संविधान से ली गई है? द प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट या अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन हैड बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री? तो करेक्ट आंसर दक्षिण अफ्रीका या साउथ अफ्रीका आपका यहाँ से हो जाएगा। साउथ अफ्रीका से ली गई है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अपनाया गया है। फ्रांस के संविधान से जो चीजें हमने अपनाई है वे स्वतंत्रता का गणतंत्र और आदर्श प्रस्तावना में समानता और बंधुत्व है। जर्मन संविधान से जिन चीजों को अपनाया गया जैसे कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, जापानी जो संविधान है इनसे कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये अपनाया गया है। तो सब देशों से अलग अलग चीजें बेसिकली जो है यहाँ पर इंस्पायर्ड है या फिर ली गई है। अगला क्वेश्चन है, संसद का निर्माण किस भारतीय अधिनियम से हुआ था? विच इंडियन एक्ट क्रिएटेड द कॉन्स्टिट्यूशन? करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 का ये करेक्ट आंसर रहेगा। भारत शासन अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो भारतीय संविधान के निर्माण में भारत सरकार अधिनियम 1935 का अहम योगदान रहा है और इस अधिनियम से संविधान का आधा से ज्यादा हिस्सा जो है ये बेसिकली प्रभावित है। इस अधिनियम को ब्रिटिश संसद ने पारित किया था और ये लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता वाली संयुक्त जो चयन समिति थी इसकी रिपोर्ट पर आधारित था।
इस अधिनियम में 11 भाग और 10 अनुसूचियां शामिल थी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में क्या नहीं मिला था? व्हाट डज नॉट फाउंड इन द हड़प्पा सिविलाइजेशन। करेक्ट आंसर आपका क्वेश्चन इस तरह से हो सकता है कि निम्न में से कौन सी वस्तु जो है हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त मोर्चरी आप तक, तो यहां से आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल यहां से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूती वस्त्र। सूती वस्त्र आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि वस्तु जो है हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नहीं हुई है, इसका नाम क्या है? सूती वस्त्र। हड़प्पा की कब्रों से सूती वस्त्र नहीं मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं शायद मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास करते थे, क्योंकि उन्होंने कब्र में वस्तुओं को भी दफनाया था, और मृतकों के साथ दफन की गई वस्तुओं में आमतौर पर मृत भांड, मिट्टी के बर्तन और अनाज शामिल होते थे। एक महिला का कंकाल पाया गया जिसमें चूड़ियां, हार और अन्य जैसे आभूषण पहनाए गए थे। ये सारी चीजें हैं आपको याद भी रखना है, और ये क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे गए हमने आपको जो है कवर करवा दिया। अब हम आगे जो है और बाकी के जो सब्जेक्ट है इनको कवर करेंगे, जैसे कि मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग की ओर। तो यहाँ पर ये MTS के स्पेशल टेस्ट सीरीज है, सिर्फ 49 रुपये की प्राइस है। अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया तो कर लीजिएगा, लेटेस्ट है पूरा पैटर्न। डेमो भी चेकआउट कर सकते हैं, एप्लीकेशन पर जाकर एक बार जरूर चेकआउट करिएगा। कोई डाउट है कुछ कर सकते, नंबर भी आपको दे रखे हैं। SSC GD की स्पेशल है, और ये MTS की, देखिए ये MPSI की है और ये MTS की है, ये SSC GD की है। इन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं। अगर बात करें इंग्लिश की गाइस, तो इंग्लिश में 1 वर्ड से 1 क्वेश्चन पूछा गया। क्लोज टेस्ट से क्वेश्चंस बनाए और इरर से 3 से 4 क्वेश्चन है। एडम फ्रेसेस से क्वेश्चंस बनाए, एंटोनियम से क्वेश्चन पूछा गया है, सिनोनियम से 1 क्वेश्चन था, और फिलर से भी 1 क्वेश्चन आपका पूछा गया। इसके अलावा इनकरेक्ट क्वेश्चन बना है, और फिल इन द ब्लैंक से भी क्वेश्चन आपके लगातार आपको बताइए बन रहे हैं। मैथ्स में अलजेब्रा से क्वेश्चंस बनाए, 2D 3D से, मेंसुरेशन से है, सिंबल चेंज से क्वेश्चन है, प्रतिशत से है, परसेंटेज से, प्रॉफिट एंड लॉस से 1 क्वेश्चन है, SIC से 2 क्वेश्चन है आपके, औसत एवरेज से 2 क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम से 1 क्वेश्चन है, LCF से भी 1 है, और सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन बनाए, रेशियो से 1 बनाए, पाइप टंकी क्वेश्चन बनाए, ट्रेन से 1 क्वेश्चन बनाए, और एजेस वाले जो क्वेश्चन है ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिला है। तो इन सभी टॉपिक को अच्छे से आप कवर करिएगा, जो जो टॉपिक हमने आपको बताए हैं इनको, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस लगातार बन रहे हैं। पेपर फोल्डिंग से क्वेश्चंस रीजनिंग में बनाएं, इसके अलावा सीरीज से बनाएं, वेन डायग्राम से क्वेश्चन बनाएं, एनालॉजी से बनाएं, यानी कि डाइस से आपका क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया है ना। क्लोज से 2 क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन है, मिरर इमेज से 1 क्वेश्चन आपका बना है, काउंटिंग फिगर से 1 क्वेश्चन है, बेसिक नंबर से 1 क्वेश्चन है आपका, इसके अलावा फिगर सीरीज से भी 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं बेसिकली। तो यहाँ पर हमने ऑल ओवरव्यू रिव्यू दे दिया है आपको, जिसमें GK का, इंग्लिश का हमने आपको करवा दिया है, इसके अलावा मैथ्स और रीजनिंग का भी आपको जल्द ही कवर यहाँ पर, देखिए हमने सारे टॉपिक आपको अच्छे से कवर करवा दिए हैं। और आई थिंक आपको यहाँ से काफ़ी हद तक आइडिया लगा होगा किस तरीके का पैटर्न है आपका, और कौन कौन सा टॉपिक जो है लगातार आपको देखने को मिल रहे हैं। क्लियर है? तो यहाँ से इन टॉपिक पर आप अच्छी खासी प्रैक्टिस करके रखिएगा, और ये जितने भी टॉपिक हमने बताए हैं आपको सारे टॉपिक हम ऑलरेडी टेस्ट सीरीज में आपको कवर करवा चुके हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए इन सभी टॉपिक की, जो जो आपको एग्जाम में लगातार देखने को मिल रहा है, तो उसके लिए क्या करना है आपको, ये SSC MTS की हमारी टेस्ट सीरीज है, सिर्फ 49 रुपये में मिल रही है, 49 रुपीज़ में। तो लिमिटेड टाइम में इनरोल करके यहाँ से अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिस टॉपिक में वीक है उसी को आप ज़्यादा लगाएं तो आपको वहाँ से हेल्प देखने को, यानी कि काफ़ी ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। ये MTS की अलावा हमारी SSC GD की है, और ये MPSI की है, सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में डली है, एक बार जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। और इस वीडियो के PDF के लिए आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, दोनों के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है गाइस? इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको लगातार वीडियोस हम दे रहे हैं, तो आपको बेल आइकन को भी ऑल पर सेलेक्ट करना है, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास पे पहुँच पाए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।